ओके तो आज का हमारा टॉपिक है आयलर्स इक्वेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। अब तक हमने कुछ फंक्शनल्स के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिक डिफिनेशन से देखा था कि फंक्शनल का नेचर कैसा होता है, वो किस टाइप के होते हैं, लीनियर फंक्शनल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं आयलर इक्वेशन, इस पे ही बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो गया, VVI। ओके तो देखते हैं क्या होता है। ये एक्चुअली आयलर्स इक्वेशन एक नेसेसरी कंडीशन देता है, जो हमने पीछे का एक्सटर्नल्स लिया था, जो हमारा फंक्शनल दिया होता है उसके एक्सटर्नल के लिए हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन होता है जिसको हम लोग आयलर्स इक्वेशन बोलते हैं। ओके तो वो कंडीशन क्या है उसको लिख लेते हैं। ए नेसेसरी कंडीशन फॉर हैविंग एन एक्सट्रीमल फॉर हैविंग एन एक्सट्रीमल ओके तो हमारा जो फंक्शनल दिया था कुछ इस टाइप का दिया हुआ था। ओके सो ए नेसेसरी कंडीशन फॉर हैविंग एन एक्सट्रीमल टू दिस, ये क्या था, कुछ ए टू बी था, एफ एक्स वाई और वाई डैश का फंक्शन था। ठीक है, और एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करते थे। ओके ए नेसेसरी कंडीशन फॉर हैविंग एन एक्सट्रीमल टू दिस इज, वो कंडीशन क्या है, सॉरी ये है डेल एफ अपन में डेल वाई, मीन्स एफ का जो एफ कौन सा, ए वाला एफ है, इसको आप लोग दूसरा मत समझना, ये वही एफ है जो यहाँ पे अगर आपको कोई फंक्शनल दिया हो इस टाइप का तो इसमें जो ए इंटीग्रेशन वाला पार्ट था इसको हम लोग एफ बोलते हैं। ठीक है, तो ए एफ जो है इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस डी वाई डी एक्स, फिर किसका जो एफ है उसका वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए है आपका आयलर्स इक्वेशन, या कह दीजिए आयलर्स कंडीशन जो हमें अगर किसी फंक्शनल का एक्सटर्नल की बात कर रहा हो या एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा हो, तब पहले हम एक आयलर्स इक्वेशन लगाएंगे और इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। अगर एक कंडीशन होल्ड नहीं करता है तो हम कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते कि उसका एक्सटर्नल होगा कि नहीं होगा, बट एक्सटर्नल अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो डेफिनेटली उसका एक्सटर्नल होगा। सो अगर हमें कहीं भी एक्सटर्नल कैलकुलेट करने की बात करें तो हम क्या करेंगे, वहाँ से एफ निकालेंगे और एफ निकालने के बाद क्या करेंगे, अपना एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और यहाँ से कुछ अननोन हो गया जो भी फाइंड आउट करना होगा वो चीज़ निकल जाएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक नोट लिख लीजिए। इन जनरल क्या होता है ना, इसको मैं नोट लिखवा दे रहा हूँ। ओके इन जनरल जो आयलर, अगर कुछ केसेस छोड़ दिया जाए, एक आधो केसेज हैं तो उनको छोड़ दिया जाए, तो आयलर इक्वेशन क्या होता है, हमेशा सेकेंड ऑर्डर ओडीई होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल आयलर्स इक्वेशन इज सेकेंड ऑर्डर ओडीई, सेकेंड ऑर्डर ओडी। ठीक है, तो ए नोट हो गया, बाकी एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एट विच कर्व, ठीक है, एट विच कर्व द फंक्शनल, हमें फंक्शनल यूज कर लिए कुछ दिया हुआ है, फंक्शनल क्या है वो कुछ इस टाइप से है, इंटीग्रेशन ले लीजिए 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर प्लस 12xy dx। ओके एट विच कर्व द फंक्शनल इतना इज एक्सट्रीमाइज, मतलब यहां से आपको क्या करना है, आपको एक्सटर्नल फंक्शन निकालना है, मीन्स एक्सटर्नल निकालना कि क्या होगा। ओके तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, एट विच कर्व इतना एक्सटर्नल विथ, अब विथ क्या है, इस इन पॉइंट्स कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, वाई जीरो पे जीरो देगा एंड
वाई वन पे वन देगा। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सिंपली आप देखिए, एट विच कर्व, मतलब किसी कर्व किसी फंक्शन की बात कर रहा है जिसको हमें फाइंड आउट करना है या बताना है। एट विच द फंक्शनल दिस, एक फंक्शनल है ये क्या हो रहा है, एक्सट्रीमाइज्ड हो रहा है विथ दिस कंडीशन, मतलब वो जो फंक्शनल होगा सॉरी वो जो एक्सट्रीमल होगा इस कंडीशन को होल्ड कर रहा हो तो वो एक्सट्रीमल फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हम लोग क्या लेते थे, ए हमारा एफ होता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके काइंडली पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके देन आफ्टर वी विल डू इट। ओके तो यहाँ पे अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, आप लोग कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं कर लिए होंगे तो मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन उसको नोट डाउन कर लीजिए। हियर इस चीज़ को हम लोग क्या मानते थे, एफ एक्स वाई वाई डैश, ठीक है ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना। ये आपको दिया हुआ है वाई डैश स्क्वायर ट्वेल्व एक्स वाई, ओके ये दे दिया। अब डायरेक्टली आप अपने आ जाइए एलर्स कंडीशन पे, शो बाय एलर्स इक्वेशन। ओके एक चीज देखिए, हमने एलर इक्वेशन में क्या बोला था कि अगर कोई फंक्शनल है तो उसका एक्सटर्नल के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, ए वाला होगा। ठीक है इसको कुछ इक्वेशन नंबर हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए इक्वेशन वन दे दिया, ठीक है स्टार दे दे रहे हैं। ओके जब हम यहाँ पे बात करें एट विच कर्व दिस फंक्शन विल बी एक्सटिमाइज, ओके किस कर्व पे ए फंक्शनल है एक्सटिमाइज होगा, इसका मतलब है एक्सटर्नल एक्सटर्नल की बात कर रहे थे, एक्सटर्नल निकालने के लिए क्या होगा, हमारा जो है फंक्शनल है ए सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो हम एलर इक्वेशन लगा देंगे। तो एलर इक्वेशन क्या था, मैं यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ आप लोग भाई, एलर इक्वेशन क्या था, जो फंक्शन था एफ उसका वाई के रिस्पेक्ट में ले लीजिए डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी एक्स, फिर उसका वाई डैश के रिस्पेक्ट में। जब आप दो चार प्रॉब्लम करेंगे ना तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है तो यहाँ पे ये देखिए एफ है आपके पास, तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ट्वेल्व एक्स हो जाएगा। डायरेक्टली लिखते हैं ट्वेल्व एक्स फिर माइनस डी बाई डी एक्स, अब वाई डैश के रिस्पेक्ट में वाई डैश क्या है इतना, तो ये टू वाई डैश इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके अब इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, अब डायरेक्टली जैसे करें तो दोनों तरफ दो कॉमन है इसको हटा सकते हैं आप, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू डबल वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो, और फिर लिख सकते हैं सिक्स एक्स माइनस इक्वल टू इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका वाई डबल डैश। अब यहाँ से आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, दे देगा वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा सिक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कुछ सी हो जाएगा। ओके अगेन अभी वाई डैश है तो ये मतलब हमें अगेन इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है तो अगेन इंटीग्रेशन करिए, अगेन इंटीग्रेट करने पर क्या दे दीजिएगा ये वाई दे देगा इक्वल टू हो जाएगा इधर ए थ्री एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये आपका एक कर्व निकल गया। अब आपको कंडीशंस भी कुछ दिया हुआ था, कंडीशन क्या दिया था वाई जीरो पे जीरो होगा एंड वाई वन पे वन होगा। ओके ठीक है तो वाई जीरो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, वाई जीरो इम्प्लाई ए इम्प्लाई करता है वाई जीरो इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाई डी इक्वल टू जीरो एंड वाई वन पे क्या है वन, ए क्या इम्प्लाई करता है वन इक्वल टू वन प्लस सी दैट इज सी इक्वल टू जीरो। आप लोग का यही आया हुआ है क्या, सब लोग अपना सॉल्यूशन वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा डी इक्वल टू जीरो आ गया, सॉरी अच्छा डी इक्वल टू बी जीरो सी इक्वल टू बी जीरो, वाह मतलब यहाँ से दोनों सी और डी जीरो हो गए, सो आपका वाई क्या हो जाएगा इम्प्लाई वाई एक्स विल बी वाई एक्स विल बी डी एक्स क्यू। ठीक है ए आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल एक्सट्रीमल, और इसी से हर बार क्वेश्चन पूछता है। अच्छा यहाँ तो हमने पूछा कि क्या कंडीशन होगा, सॉरी इस फंक्शनल पे हम क्या करें जो हमें एक्सट्रीमल मिलेगा, हमने कर दिया जो मिला सो बता दिया। अब अगर मान लो हमें एक्सट्रीम वैल्यू निकालना हो तो अब क्या करेंगे, तो आपका जो एक कर्व आएगा ना
इसको जो एक्सटेमल दिया हुआ है, एक्सटेमल क्या दिया हुआ था यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्सटेमल वाला दिया हुआ है, इसमें वाई का वैल्यू उठा कर रख दीजिए, जो निकलेगा वो आपका एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगा। एक बार देखते हैं रख के क्या होता है। ओके ठीक है, हमारा आई ऑफ वाई एक्स, वाई एक्स इक्वल टू क्या है एक्स की। अब इसको रखेंगे तो हमारा क्या था, पहला था क्वेश्चन वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश क्या हो जाएगा यहाँ से 3x² तो 3x² इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस आपका था 12x और y की जगह क्या है x³ और ये क्या था dx, कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 था। तो ये 0 to 1 है, 9 नहीं है, 0 to 1 था। अब सिंपल इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, तो यहाँ से 0 to 1 ये हो जाएगा 9x⁴ प्लस 12x⁴। अगर जो लोग नहीं किए होंगे वो हमारे साथ साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके यहाँ से आप इसको ये भी लिख सकते हैं 0 to 1, 9 और 12 कितना हो जाएगा 21x⁴ dx। ओके अब आप इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा 21x⁵5/5 इसका 0 to 1, तो 1 पे 1 ही दे देगा, 0 पे 0 दे देगा, सो ये हो जाएगा 21/5। ओके तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप एक्सट्रीम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क देता हूं, जो आपने कंसेप्ट अभी ट्रिक समझा है या ये जो रिजल्ट आपने यूज किया है इसको यूज करके आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, अगर आपके पास दिया हुआ कुछ अज्यूम करिए कि इफ इफ आई ऑफ वाई ले लेते हैं वाई एक्स कुछ इंटीग्रेशन 0 to e। ओके एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश ओके डी एक्स, अगर हमारे पास ये एक फंक्शनल है इफ इतना इक्वल टू इतना विथ कुछ कुछ कंडीशन भी ले लीजिए, कंडीशन क्या है वाई 0 पे, अच्छा इसको 1 से ले लेते हैं, अगर ऐसे ले लिया तो 1 पे कुछ 0 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा कुछ 1 हो जाएगा। ठीक है, देन इफ इतना इक्वल टू इतना विथ इतना देन देन एक्सटर्मल इज, आपने एक्सटर्मल का कंसेप्ट समझ गए हैं सभी लोग। अब आप लोगों को इसको ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को क्विकली करिएगा, जितना जल्दी आप करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे उतना ही अच्छा होगा। पहला होगा वाई इक्वल टू log x², दूसरा कुछ ले लीजिए y इक्वल टू log x, सही से लिख नहीं रहा, एक सेकंड इसमें कुछ दूसरा ले लीजिए y इक्वल टू log x। ओके तीसरा कुछ y इक्वल टू log x, चौथा कुछ नन ले लीजिए, मान लीजिए कोई आंसर नहीं हुआ तो नन हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक चीज मैंने बताया था आपको, आपने जितना मैं ट्रिक जैसे लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वो वाला भी ट्रिक आपको यूज करना है। मैंने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में कि जो आपका एक्सटर्मल होता है वो बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। ओके तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आप जैसे ई रखिए तो ई पे क्या दे देगा, ये लॉग ई पे 1 दे देगा, ठीक है ई भी ई पे 1 दे देगा, लॉग ई पे 1 देगा तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 2 आ रहा है कहाँ पे, जब ई इक्वल टू 1 हो रहा है, सॉरी
एक्स इक्वल टू ई हो रहा तो वाई इक्वल टू टू हो रहा, जबकि हमारे यहाँ एक्स इक्वल टू ई पे क्या होना चाहिए, वाई इक्वल टू वन। ए ऑप्शन डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया बिना सोल्व किए ही। तो ये चीज बहुत हेल्प करता है हमें, जो आप थ्रू रिजल्ट पढ़ते जा रहे हैं उनको साथ में करते जाइए, ठीक है, उनको अप्लाई करते जाइए। यानी अब जैसे भी आप करेंगे कुछ ना कुछ आपका कंक्लूजन निकलेगा। सो यहाँ पे कुछ वैसे डिस्कार्ड करिए, कुछ थ्योरेटिकली करिए, हो सके मान लो तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड करके बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करा, तो डायरेक्टली आप नन मार देंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा अगर पॉसिबल होता कि ये तीनों फंक्शनल हैं, तीनों जो एक्सटर्नल वैल्यू दिया हुआ है, एक्सटर्नल फंक्शनल दिया हुआ है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो डायरेक्टली आपका नहीं होता। ओके, तो इसको क्विकली करिए, बस हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, जो जिनको सोल्यूशन से रिलेटेड डाउट है, सोल्यूशन के लिए मैं इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पे सब कुछ होगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट जो भी होगा अप्लाई करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू आप ले लीजिए कि फाइंड द एक्सटर्नल, बस इसमें एक्सटर्नल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सटर्नल ऑफ किसका। मान लीजिए हमें कुछ आई वाई एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ से कुछ जीरो टू वन इंटीग्रेशन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम से पूछे हुए हैं, तो आप ये मत सोचना कि सब क्वेश्चन यही है, सब क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ओके, डी एक्स फाइंड द एक्सटर्नल ऑफ कितना एक, इसके साथ कुछ कंडीशन दिया, कंडीशन क्या है, जो वाई जीरो को होगा वन होगा एंड वाई ऑफ वाई जीरो इक्वल टू टू। अच्छा, ये देखिए, बस मैंने कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, इसको लिखने का क्या मतलब, इसके बदले मैं ये भी देख सकता हूँ वाई वाई जीरो का वैल्यू कितना है वन है, तो वाई एट वन इक्वल टू टू। ओके, बट ये थोड़ा सा दिखाने के लिए कि आपको लगे कि कितना लेंदी है, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, मैं हिंट दे दे रहा हूँ या आंसर कर लीजिए, दे देता हूँ, इसका कोई भी एक्सटर्नल नहीं निकलेगा, तो आप लोग इसको इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम कुछ आते हैं जो आयलर्स इक्वेशन से रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्या है, जैसे बहुत जगह होता है हम डायरेक्टली इसको नहीं लगा पाते, या फिर हमारा कुछ दूसरे टाइप से स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें क्या करना होगा, हमें अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मैंने थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, सो स्लो राइटिंग हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव। ओके, इसको एक सेकेंड, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आयलर्स इक्वेशन। Alternative form of Euler equation. Okay. तो next हमारा है alternative form of Euler equation. ये भी बहुत important है, तो इसको हम लोग next lecture में देखेंगे कि Euler equation क्या होता है, और Euler equation तो हमने देख लिया, अब हमें इसका alternative form देखना है, ठीक है, तो ये बहुत बहुत important है। अगर आप लोग एक के लिए हैं तो next lecture में मैं इस topic को alternative form को करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।